आतंकियों ने बरसों बाद फिर किया गांव का रुख। हमले से पहले शिंद्रा टॉप में खाया था खाना। जिले में बीते 2.5-3 साल से आतंकवाद की जड़ें मजबूत करने में जुटे पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने बरसों बाद फिर से गांव का रुख कर घरों में खाना खाने का क्रम शुरू कर दिया है। इसका उदाहरण जिले के डन्ना शाह सितार में वायुसेना के वाहनों पर हमला करने वाले आतंकियों का है, जिन्होंने हमले के एक दिन पूर्व रात को पूंछ के गांव शिंद्रा टॉप में बंदूक के बल पर एक ग्रामीण मोहम्मद रजाक के घर पर न सिर्फ रात का खाना खाया बल्कि बचा हुआ भोजन भी अपने साथ लेकर चले गए। आतंकियों के घर में खाना खाने का खुलासा पुलिस की ओर से आतंकियों का सहयोग करने के आरोप में पूछताछ के लिए उठाए गए लोगों में शामिल मोहम्मद रजाक ने किया। रजाक के द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर ही सेना ने हमले में शामिल दो आतंकियों के स्केच बनवाकर जारी करते हुए उन पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इससे पूर्व जिले में पिछले 2.5-3 वर्षों में आतंकियों की ओर से किसी घर में आकर खाना खाने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। जिले के भाटा ढूंढिया में सैन्य वाहन पर हमला कर 5 जवानों को बलिदान करने वाले आतंकियों ने करीब 1 महीने तक गुड़साई में डेरा डाले रखा था, लेकिन वे इस दौरान खाना खाने कभी किसी के घर में नहीं गए, बल्कि उन्होंने 1 महीने तक गांव गुड़साई के बाहर बने एक गुप्त ठिकाने पर ही शरण ली। OGW निसार उन्हें उसी ठिकाने पर खाने पीने का सामान पहुँचाता रहा, मगर इस बार आतंकियों के किसी घर में खाना मांग कर खाने के मामले का खुलासा होने से आतंकवाद के उस दौर के दर्द को ताजा करता है, जब आतंकवाद के चरम पर होने के समय दहशतगर्द अक्सर गांव में आ धमकते थे। सूत्रों के अनुसार डन्ना शाह सितार में हमला करने वाले 4 में से 2 आतंकी ही रजाक के घर खाना खाने पहुंचे थे। आतंकियों के गांव में घुसकर घरों में खाना खाना ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय है। हालांकि आतंकियों के गांव में आने जाने से उनकी पहचान करना सुरक्षा बलों के लिए आसान हो सकता है। डन्ना शाह सितार में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए 18 लोगों में अकील अहमद, कफील अहमद, तस्लीम अहमद, साहिल खान, इम्तियाज अहमद, मोहसिन इकबाल सभी निवासी सुरनकोट, खालिदा अहमद, रोहिल खान निवासी सैला, जफर अहमद निवासी चंडीमाड़ा, जुनैद अहमद, ताहिर अहमद, गुलाम खिलानी, इमरान अहमद, ताहिर अहमद, आफताब अहमद और मोहम्मद रजाक निवासी सुरनकोट के रूप में हुई है, जबकि अन्य 8 लोगों के नामों का खुलासा नहीं हो पाया है।